तुम सामने आए हुए इस वक्त मेरे टोपी नहीं पहनी थी तुमने जी? अब जो आए हो सवाल करने, टोपी क्यों पहन के आए हो? टोपी तो पहननी होती है। क्यों पहनी है? ये तो मैं पूछने आया नहीं, मेरे तुमने ये नहीं पूछा मुझसे, तुमने तो मुझसे नमाज का पूछा है। मैं दूसरा सवाल कर रहा हूँ, तुम मेरे सामने जो अब आए हो नंगे सिर क्यों नहीं आ गए, टोपी क्यों पहन के आए हो? सोच के बताओ। नंगे सर बुरा लगता था ना तुम्हें? नंगे सर मेरे सामने आना बुरा लगता था ना? जी। लगता था अदब के खिलाफ है, यही बात है ना? जी। तो मेरे सामने जब तुम अदब करते हो अल्लाह के सामने नहीं करोगे? करूंगा। यही तो तुम्हें जवाब दे दिया मैंने तुम्हें, अदब की खातिर टोपी पहनते हो। अल्लाह तो सबसे बड़ी अदब की जाय है, इसलिए अल्लाह के हजूर जब हाजिर होते हो तो अदब के लिए सर ढांप कर खुदा के हजूर आजजी के साथ जाते हो, इसलिए टोपी पहनना पड़ता है, वरना नंगे सिर वाला आदमी बड़ा रिस्पॉन्सिबल सा, कुछ आवारा हवारा सा लगता है। चाहे आवारा ना भी हो तो एटीट्यूड ऐसा है जिससे लगता है कि आजाद सा है, टोपी पहन के चेहरे पे अदब आ जाता है जैसे तुम्हारे चेहरे पे बताया हुआ है। ठीक है ना? टोपी पहन के तुम शरारतें नहीं ना कर सकते? कर सकते हो? नहीं। लड़ना झगड़ना हो टोपी पहन के तो नहीं करते? नहीं। उतार के करोगे? है ना? नहीं। उतार के भी नहीं करोगे? अच्छा ठीक, बैठ जाओ फिर।